तो नहीं उड़ाने वाले कहीं खराब है। लाइसेंस यार पैसे दे दे दो तो। लाइसेंस 200 रुपया दे। 200 रुपया 25% की भी आप नौकरी खा लेते हो ना, टर्मिनेशन करो इनकी, तब जाकर कोई फर्क पड़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट कर्मी खुद फंसते हैं तब देखा जाता है कि इतनी सॉफ्ट, जैसे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं उस तरीके से इनके ऊपर हैंडल किया जाता है। दोस्तों 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 104 आरटीओ कर्मी जांच के घेरे में आ गए हैं। अलग अलग तरह के उनके ऊपर इल्जाम हैं, अलग अलग तरह की हेरा फेरियां की गई हैं, बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई हैं। लेकिन अब राज्य सरकार ने अपने ही जो आरटीओ कर्मी हैं 104 उनके ऊपर बड़े स्तर की जांच बिठा दी है। क्या इल्जाम है इन आरटीओ कर्मियों पर, किस लेवल के ये आरटीओ कर्मी हैं, बड़े हैं छोटे हैं और कौन सा ये राज्य है, बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या इस जांच में से कुछ निकलेगा, क्या कुछ आरटीओ कर्मियों की नौकरी जाएगी या फिर कुछ छोटा मोटा जुर्माना करके सस्पेंड करके वापस ये अपनी कमाई वाली गद्दी पर बैठ जाएंगे। कौन सा ये राज्य है पूरी तफसील के साथ बताऊंगा, क्या इल्जाम है इन लोगों के ऊपर, एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों राज्य है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लखनऊ जो ऑफिस है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है अपने 104 अलग अलग आरटीओ ऑफिसेज के अलग अलग कर्मियों के ऊपर। जी हाँ, इसमें कुल, पहले मैं बता दूं कि ये 100 से ऊपर की जो लिस्ट है इसमें कौन कौन शामिल है, 42 आरटीओ और एआरटीओ कर्मी हैं एडमिन और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के। इन्फोर्समेंट आप जानते हैं जो गाड़ियों की चेकिंग वगैरह करते हैं, और एडमिन जो दफ्तर का कामकाज देखते हैं। 22 इसके अंदर ट्रैफिक रोड इंस्पेक्टर हैं, 11 पैसेंजर टैक्स ऑफिसर हैं जो टैक्सेशन का काम करते हैं विभाग के अंदर दफ्तरों के अंदर, 29 क्लर्क अकाउंटेंट और सीनियर क्लर्क, लगभग हर तरह का मुलाजिम इसके अंदर शामिल है जो आरटीओ दफ्तर में काम करता है। और बड़ी बात यही है कि एक या दो नहीं या दस नहीं बल्कि 104 और पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग आरटीओ दफ्तरों के ये मुलाजिम हैं। बताया जा रहा है जो मीडिया से खबरें प्राप्त हुई हैं वो ये है कि बहुत जो अलग अलग पूरे राज्य से ही बहुत सारी कंप्लेंट्स की बाढ़ आ रही थी, इकट्ठा हो रही थी, पहले से ज़्यादा बढ़ रही थी, और ऊपर दफ्तरों के पास या मंत्रियों के पास ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि धांधली मची हुई है, अलग अलग तरह के गलत काम किए जा रहे हैं दफ्तरों के अंदर अफसरों के द्वारा, गैर कानूनी जिसे हम कह सकते हैं। तो वो इकट्ठा करके कंप्लेंट्स, उसमें से जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स जिन अफसरों के खिलाफ, कर्मियों के खिलाफ हैं, उनमें से 104 लोगों के खिलाफ ये जाँच बैठा दी गई है। अब किस तरह की कंप्लेंट्स हैं, वो 4-5 तरह की कंप्लेंट्स बताई गई हैं जिसमें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताया गया कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर गाड़ियों की एनओसी जारी कर दी ऐसे लोगों के नाम जिनकी मौत हो चुकी है। जी हाँ, ये एक बड़े स्तर पर धांधली पाई गई। उसके बाद गाड़ियां ट्रांसफर कर दी गई, ना तो गाड़ी बेचने वाला ना खरीदने वाला दफ्तर आया, लेकिन गाड़ियां ट्रांसफर हो गई। यहाँ पर हमें कोई पुख्ता किसी खास केस की कोई जानकारी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाई गई है। कई बड़े सीनियर अफसरों से हमने फ़ोन किए लेकिन किसी से बात नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जितनी चोरी की गाड़ियों के केस होते हैं उसमें भी यही होता है कि गाड़ियाँ ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। अक्सर ये खबर आती है कि आरटीओ कर्मियों की मिलीभगत से चोरी की गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी। क्या ये वही केस तो नहीं है? हो सकते हैं, लेकिन हमें इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। इसके बाद मैनुपुलेशन ऑफ फॉर्म्स बाय फॉर्जिंग द सिग्नेचर, इसके बाद फर्जी साइन करके अलग अलग तरह के फॉर्म्स के ऊपर अलग अलग काम कर दिए गए हैं, ये भी सीधी सीधी बहुत ही बड़ी एक गैर कानूनी काम है।
धोखाधड़ी का मामला है, इसके अलावा बड़े ऊपर से जो ऑफिसर्स हैं उनके कुछ ऑर्डर आए हैं उनकी नाफरमानी, उनको नहीं माना गया, ये भी इनके ऊपर आरोप है। और सबसे बड़ी बात जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक रखती है वो ये है कि चलान कर दिए गए गाड़ियों के, जबकि जो कागजात गाड़ी के पास पूरे थे, ये अक्सर हमने देखा गया है, कागज पूरे होते हैं लेकिन रिश्वत जब नहीं देता है ड्राइवर या गाड़ी मालिक, तब फिर उसके बड़े बड़े चलान काट दिए जाते हैं, कोई भी बहाना बनाकर बोल दिया जाता है कि बिहेवियर अच्छा नहीं था या कागज पूरे नहीं थे। तो ये मनमानी होती है अक्सर, सबको पता है जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग तरह के अलग अलग इनके ऊपर कर्मियों के ऊपर ये आरोप हैं। कुल 104 लोग हैं, 42 आरटीओ एआरटीओ, 22 ट्रैफिक रोड इंस्पेक्टर, 11 पैसेंजर टैक्स ऑफिसर और 29 क्लर्क अकाउंटेंट सीनियर क्लर्क सब मिले हुए हैं। एक चीज और बड़ी निकल कर आई है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर खुद, ये बताया जा रहा है जो नरेंद्र सिंह है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एडमिन, जो मीडिया की खबर है उनके हवाले से हम बता रहे हैं, उनका खुद का कहना है कि ऐसा नहीं है कि पहले कभी जांच नहीं बैठी, जांच बैठती है लेकिन क्योंकि जो जांच करने वाले होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, तो जब रिश्वत ली जाती है, उल्टे सीधे काम किए जाते हैं, तो वो ऐसा तो होता नहीं है कि ऊपर कोई होता ही नहीं है, मिलके ही सारा काम किया जाता है। तो उनका कहना यह था कमिश्नर साहब का कि अक्सर ये देखा गया है कि रफा दफा कर दी जाती है जांच, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, और इस बार कोशिश की गई है कि इमीडिएट बॉस को जांच ना दी गई हो, अलग अलग थोड़े दूर के आरटीओ वगैरह लगाकर, या पता नहीं किस तरीके से कहा गया, उन्होंने उनका कहना यह था बेसिकली कि इस बार इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि रफा दफा ना हो जांच, और कोशिश होगी कि ज्यादातर केसेस में कार्रवाई की जाए। अब क्या कार्रवाई होगी, कितनों पर होगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, या हो सकता है कि इसी तरीके से जो खबर है ये खुर्द बुर्द हो जाए और कुछ भी ना हो, पता नहीं है, लेकिन आने वाला समय बताएगा। अगर कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो ट्रांसपोर्ट टीवी पर इसके बारे में आपको जानकारी जरूर देंगे। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई यूपी के आरटीओ कर्मियों के खिलाफ सबूत हैं भ्रष्टाचार के या किसी भी तरह के, तो आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस को जाके देने चाहिए, और कि सर जांच तो कर ही रहे हो, ये हमारे सबूत भी ले लो, है ना, जो हम कह रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई आप करो। तो बहुत अच्छी फिर भी कुल मिलाकर जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस है, यूपी का ट्रांसपोर्ट विभाग है, वो बधाई का हकदार है कि कम से कम चलो जांच तो बिठाई। अब ज्यादा बधाई तो तभी दे सकते हैं जब ये कार्रवाई करेंगे इन लोगों के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन पर जांच बिठाई ये सब पर कार्रवाई करो, लेकिन जिनके बारे में सबूत हैं तो उन पर अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर 25% की भी आप नौकरी खा लेते हो ना, टर्मिनेशन करो इनकी, तब जाकर कोई फर्क पड़ेगा। अगर सस्पेंड करके महीने दो महीने वापस उनको लाना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि किसी का 2 टन ज्यादा ओवरलोड हो या कोई कागज पत्तर नहीं है तो लाखों रुपए के चालान जीएसटी के मसले में और कर दिए जाते हैं, उतने की गाड़ी नहीं होती जितने का चालान। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट कर्मी खुद फंसते हैं, आरटीओ कर्मी या पुलिस कर्मी, तब देखा जाता है कि इतनी सॉफ्ट, जैसे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं उस तरीके से इनके ऊपर हैंडल किया जाता है, ज्यादातर को माफ कर दिया जाता है या खुर्द बुर्द कर दी जाती है, जांचें रद्द कर दी जाती है, या अगर कोई कार्रवाई होती है तो भी बहुत मामूली कार्रवाई के बाद उनको छोड़ दिया जाता है और वो फिर दोबारा उतनी ही तेजी के साथ उन्हीं कामों में लिप्त हो जाते हैं कि भाई जितने देर घर बैठे हैं उनका वो घाटा भी तो पूरा करना है, फिर और स्पीड के साथ काम किया जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि यूपी में इन अफसरों के ऊपर कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो फिर वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।